हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने किचन रासा किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल चटनी, यानी कि लहसुन के पत्तों की चटनी, जो कि खाने में तो टेस्टी होती ही है और साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। तो इस विंटर आप इसे किसी न किसी फॉर्म में अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। तो चलिए बनाते हैं इस क्विक और हॉट रेसिपी को। इसके लिए मैंने यहाँ पे 10 स्प्रिंग गार्लिक लिया है। देखिए ये कुछ इस तरह से दिखते हैं, इनके रूट्स भी साथ में होते हैं। और साथ ही साथ मैंने एक बंच धनिया का पत्ता लिया है, 5 हरी मिर्चें हैं और 1/2 टीस्पून गोटा जीरा लिया है और एक नींबू लिया है जिसका रस हम निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने लहसुन के पत्तों को अच्छी तरह से वॉश करेंगे और इसके रूट्स को हम अलग कर लेंगे। तो ये जो रूट्स है इसे हम पहले अलग कर लेते हैं और जो पत्ते सूखे हुए हों या फिर ख़राब हों उसे हम निकाल देंगे। तो इस तरह से इसे नीचे से कट कर लें और जो भी सूखे पत्ते हैं ऊपर में जो एक लेयर है उसे हम अलग कर देंगे। और इसे हम अच्छी तरह से कट कर लेते हैं, रफली ही कट करेंगे क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। पत्तों को भी रफली काट लें। सारे लहसुन के पत्तों को काट लिया है, इसी तरह हम धनिया के पत्ते भी काट लेंगे। अब एक ग्राइंडर जार में मैंने धनिया के पत्ते, लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च और 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। साथ ही एक नींबू का रस भी डाल दिया है। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। देखिए इसे हमने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसमें हमने कोई भी पानी ऐड नहीं किया था, बस मिक्सी को थोड़ा चलाना है बंद करना है, थोड़ा चलाना है बंद करना है। इस तरह से करके मैंने इसका एक कोर्स बेस बना लिया है। तो हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। तब हम इसमें तड़का लगाते हैं। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून सरसों का तेल गरम किया था, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून सरसों का दाना डाला है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने हींग का पाउडर डाला है। जब हींग से अच्छी खुशबू आने लगे तो हम इसमें उस पर तड़का लगा देते हैं। ये चटनी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। आप इसे रोटी, पराठा, पकौड़े, सैंडविच और चावल दाल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।